My dear friend, today, according to given video, I am going to explain this important concept that's name is linear magnification. तो ध्यान रखेंगे, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर, चाहे वह कॉनकेव हो या कॉनवेक्स, यहाँ पर हम लोग कॉनकेव का केस लिए हैं, अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है, व्हेन एन इमेज फॉर्म वाई एनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तब उसका लीनियर मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा इस पर हम लोग देखेंगे। इस फिगर को देख रहे हैं, कॉनकेव मिरर है जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी के बाहर। अकॉर्डिंग टू लेट डायग्राम हम लोग देखे हैं कि मेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इस केस में इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज का फॉर्मेशन होगा बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ पर ए भी ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज होगा ए डैश बी डैश के रूप में सपोज। तो ऑब्जेक्ट ए भी जिसका इमेज ए डैश बी डैश, यहाँ पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड एफ, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ ए बी जो है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या कहें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए डैश बी डैश साइज ऑफ इमेज को इसको एच टू के रूप में, ए बी रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय एच वन, एच वन का साइन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट साइज ऑफ इमेज जिसको आप एच टू कर सकते हैं, या इन्वर्टेड इमेज का केस है इसके एच टू नेगेटिव होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले वीडियो हम लोग देखे हैं कि अगर किसी भी स्फेरिकल मिरर के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन होता है, देन रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन निकालने का फर्स्ट फॉर्मूला है। तो अगर एच टू का वैल्यू दिया हुआ है और एच वन का वैल्यू दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ एच टू इट मीन साइज ऑफ इमेज एंड वैल्यू ऑफ एच वन इट मीन साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट गिवन, देन वैल्यू ऑफ H2 size of image, value of H1 size of object given, then with help of first formula we can find the value of magnification. इस ray diagram में देखेंगे, यदि AB का real image A' B' होगा, और यदि A से एक ray of light principle, A से एक ray of light इस mirror के pole पर incidence किया जाए, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, ये रे ऑफ लाइट मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पासिंग थ्रू ए डैश, वह ए डैश से क्रॉस करेगा, क्योंकि ए का रियल इमेज है ए डैश मिरर, बिकॉज ए डैश इज द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए डैश इज द रियल इमेज ऑफ पॉइंट ए। तो ए से यदि एक रे ऑफ लाइट को पोल पर इंसिडेंस किया जाए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है को कट करें। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ए जो होगा एंगल आई के रूप में और ये जो होगा एंगल आर के रूप में, क्योंकि यहाँ पी जो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सी पी जो होगा नॉर्मल के रूप में, ए पी इंसिडेंस रे और पी ए डैश रिफ्लेक्टिव, और ए जो होगा एंगल आर के रूप में, आई एंड ए आर। तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन परपेंडिकुलर है इसलिए राइट एंगल, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी राइट, तो कहने मतलब है कि ट्रायंगल ए बी पी, आप जो देख रहे हैं ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इस रे डायग्राम में हम लोग को दो ट्रायंगल मिल रहा है देखने को, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी पी एंड सेकेंड ए डैश बी डैश पी, यहाँ देख रहे हैं राइट एंगल I एंड R। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, ये दोनों ट्राइंगल जो होगा एक दूसरे के सिमिलर होगा, एंड वेन ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, देन
a dash b dash divided by ab, that will be equal to p b dash divided by p. Maybe a dash b dash represent height of image, ab represent height of object. According to sign convention, h2 का sign negative होगा, क्योंकि inverted image है. H1 always positive sign लेगा. अब एक चीज और देखना है, PB dash क्या है? Distance of image from the mirror. Mirror से जितना distance पर image है, वह है PB dash. तो PB dash represent V. V represent distance of image from the mirror. तो मिरर से जितना डिस्टेंस पर इमेज होगा वही पी बी डैश है. अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पी बी डैश का साइन नेगेटिव होगा. पी बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यू का साइन नेगेटिव होगा. यू आर कंप्लीटली कंफर्म फ्रॉम द साइन कन्वेंशन. तो ए डैश बी डैश माइनस एच टू, ए बी प्लस एच वन, पी बी डैश माइनस बी, पी बी माइनस यू, माइनस माइनस नेगेटिव बी वाई. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं माइनस और प्लस के लिए, माइनस एच टू बाई एच वन दैट्स इक्वल टू बी वाई यू. सो एच टू बाई एच वन इक्वल टू माइनस बी वाई यू एंड एच टू बाई एच वन रेशियो बिटवीन साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट्स कॉल्ड कॉन्वेक्टिविटी. तो एच टू बाई एच वन को अगर एम के रूप में लिया जाए तो वी फाइंड ए नेक्स्ट फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी. सेकेंड फॉर्मूला ध्यान रखना है, वैल्यू ऑफ एच टू गिवेन हो और वैल्यू ऑफ एच वन गिवेन हो. यदि इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, वेन वैल्यू ऑफ वी गिवेन, वी मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड वैल्यू ऑफ यू गिवेन, u represent distance of object from the mirror. तो अगर v का वैल्यू दिया हुआ है और u का वैल्यू दिया हुआ है, v का मतलब हुआ मिरर से कितना डिस्टेंस पर इमेज है, u मिरर से जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है. तो अगर वैल्यू ऑफ v गिवेन एंड वैल्यू ऑफ u गिवेन, देन विद हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकंड वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन we have first formula, first m is equal to h2 by h1 and second formula m is equal to minus b by u, that's all.